20 अगस्त 2024 को जेपीएससी कार्यालय के बाहर छात्रों ने 11वीं से 13वीं जेपीएससी 342 पदों के लिए मुख्य परीक्षा परिणाम जारी करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। जेबीकेएसएस केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष और जेएसएसयू प्रमुख देवेंद्र नाथ महतो ने आंदोलन में समर्थन देते हुए कहा कि पीटी परीक्षा के परिणाम जल्दी जारी किए गए थे, लेकिन मुख्य परीक्षा के परिणाम में 2 महीने से अधिक समय लग रहा है, जो एक साजिश की तरह लग रहा है। उन्होंने तर्क किया कि वर्तमान जेपीएससी अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त होने और सरकार द्वारा नए अध्यक्ष की नियुक्ति न किए जाने के कारण परिणाम फंस सकते हैं। प्रदर्शन में सत्यनारायण शुक्ला, मयांक, सुधीर और चंदन सहित कई छात्र भी शामिल थे। दूसरी ओर परीक्षा विवाद में यह भी सामने आया कि कॉपी जांच करने वाले शिक्षकों के नाम उजागर हुए हैं, जिन्होंने गोपनीयता का पालन नहीं किया। जेपीएससी नियमावली के अनुसार कॉपी अनुभवी शिक्षकों से जांचनी चाहिए थी, लेकिन 2 साल से कम अनुभवी और गेस्ट टीचरों से जांच करवाई गई, जिससे नियमों के उल्लंघन और सेटिंग गेटिंग की संभावना पैदा हो गई है। करना होगा।